खम्बा गनीशा। तो गाइस, हम आपको एक राजस्थान के बीकानेर शहर में देशनोक में एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे चूहों वाले मंदिर भी कहा जाता है और उसे करनी माता मंदिर भी कहा जाता है, जो कि देशनोक में और राजस्थान में बहुत फेमस मंदिर है। तो फ्रेंड्स, इसे चूहा वाला मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ 25,000 चूहे एक साथ रहते हैं और लोगों का ऐसा मानना है, और इसका ये इतिहास है कि करनी माता जो थी उनके बेटे एक बार तालाब में डूब के मर गए थे और जब यमराज उसे लेने आए तो करनी माता ने यमराज से आग्रह किया कि मेरे बेटे को मुझे जिंदा वापस कर दो। तो यमराज ने इनकार कर दिया, तो करनी माता ने अपनी शक्ति से अपने बेटे को वापस लिया और यमराज को ऐसा कहा कि अब मेरे कोई भी वंशज, कोई भी हमारे रिश्तेदार नाते जो भी मरेंगे वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो मेरे मंदिर में मेरे साथ चूहे बन के रहेंगे, जिसे कावा भी कहा जाता है। तो उसे करनी माता का मंदिर को कावा मंदिर भी कहा जाता है और वहाँ पर एक व्हाइट चूहा भी पाया जाता है। आपको 25,000 आपको ब्लैक चूहा मिलेंगे और उसमें एक वाइट चूहा भी है जिसके दर्शन से लोगों की भाग्य खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको आगे की जानकारी लेने है तो वीडियो भी बने रहे और आपको आगे की जानकारी में बहुत अच्छे अच्छे इतिहास जानने को मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड, जब आप करनी माता मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर 3 तरह का प्रसाद लिया जाता है। एक चना लिया जाता है और एक पेड़ा लिया जाता है और एक पक्षी को खिलाने के लिए, कबूतर को खिलाने के लिए दाना लिया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो के शुरुआत में, हमने कबूतर के लिए दाना डाले थे। अब हम जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, ये मंदिर का द्वार है जहाँ से आप लाइन लगाकर माता जी के दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि दीक्षा जी ने आपको करनी माता का इतिहास बताया, और इसमें जैसे जैसे हम वीडियो के आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और भी आपको इतिहास और रहस्यमय बातें बताएंगे कि यहाँ बीकानेर के जो राजा थे श्री गंगा सिंह जी महाराज, उनका इतिहास कैसे करनी माता से जुड़ा हुआ है। वो कभी भी अपने वॉर पे जाते थे, कभी भी कहीं भी जाते थे तो करनी माता के दर्शन के बिना कहीं नहीं जाते थे। ये है करनी माता मंदिर का मुख्य द्वार और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करनी माता की पूजा बड़े श्रद्धा और बड़े मन तन से की जाती है। यहाँ भक्त आते हैं माता जी से अपनी मनोकामना लेकर, और माना जाता है कि भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उसी तरह से हम भी अपने मनोकामना को पूर्ण होने के बाद हम मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। तो आइए एक एक करके हम रहस्यमय बातें और रोमांचक बातें आपको बताते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस ब्लॉग में हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो पहले आप माता जी के दर्शन करिए। तो फ्रेंड, अब हम लोग मंदिर का परिक्रमा करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो सबको चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और अभी हम यहाँ पे तो अभी परिक्रमा कर देंगे, 5 चक्कर लगाएंगे हम लोग। फ्रेंड, जब आप माता रानी के दर्शन करके बाहर आएंगे तो हमें एक बात और जानने को मिला कि यहाँ लगभग 25,000 चूहे पाए जाते हैं और यहाँ पे तो मंदिर के पूरे आगमन में आपको कहीं भी इन चूहों की बदबू नहीं आएगी और ना ही यहाँ पे 150 साल में कभी भी किसी को प्लेग जैसी बीमारी जो होती है वो फैली है। यहाँ पे इतने चूहे होने के बावजूद भी ना यहाँ कोई बदबू आना और ना ही प्लेग जैसी बीमारी का फैलना, ये दर्शाता है कि माता रानी के आशीर्वाद से, माता रानी के वंशज से। और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये दूध, इसे लोग चूहों को चढ़ाते हैं और ये प्रसाद के रूप में घर भी लेके जाते हैं। तो सुनने में थोड़ा सा गाइस अजीब लगता है, बट यही माता रानी के चमत्कार का।
आप कहाँ से हो? यूपी से? नहीं, हम लोग कोलकाता से। कोलकाता से ये बीकानेर का है, जो यहाँ के राजा थे ना, ये देखो वो लगे हुए विजयनेस राजा थे। तो माता देश ने कहा था कि मैं चल कर रही हूँ आपके साथ। फिर मुझे बताओ यार, बताओ आन बताओ क्या बोलो, आप बोलो बताओ। अरे थे बताओ यार, कहीं बताओ नहीं है, बताओ बता दो हम। अच्छा तो बता रहे थे अंकल, बहुत अच्छा बता रहे थे। अरे बता दो यार, अरे आप बोल रहे थे तो बात नहीं बताओ। अच्छा आपको क्या क्या चाहिए? हमने व्हाइट चूहा देखा तो उनके बारे में जानना है कि क्या होता है, सफेद वाले चूहा देखे यहाँ, मतलब ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? एक मिनट रुको, व्हाइट चूहा के लिए बोलना है क्या? व्हाइट चूहा तो ऐसा है कि माता जी की देन है। माता जी ने एक बार ऐसा रूप बनाया था कि बेटे ऐसा एक पुत्र ने पूछा कि माता जी आपका कैसे नहीं होता, ये देवली है, ये देवली तो हिलती नहीं है, ये देवली मतलब आप देखते ना मूर्ति हिलती नहीं है ना, कि माता जी आप तो हिलती नहीं है कभी, कि एक बार बेटे मैं आपको हिल के बताऊंगी। तो बेटे ने पूछा हाँ अच्छा माता जी हिलती भी देखूंगा। तो माता जी ने व्हाइट रूप का चूहा जो बनाया और उसको ऐसे दशा दिया कि क्या बेटे चल रही है कि नहीं, उसने बोला हे मैया ये बात सही है। तो माता जी का साक्षात रूप माता जी का माना जाता है सफेद चूहे का। अच्छा और मंदिर किस लिए फेमस है? आपको ये समझ में आ गया ना? हाँ, जिसको उनके दर्शन होते हैं ना तो उनके घर में कोई ना कोई बड़ा अच्छा काम होता है। बस बहुत अच्छी बात है, सबसे मेन देखो भगवान सब एक है, अच्छा होता है। बाकी यहाँ प्रचलित है ये हमें बचपन से। ये राजा का कहानी क्या बता रहे थे? ये हिजनेस गंगा सिंह जी जब कहीं जाते थे ना, हाँ, तो वो पहले यहाँ दर्शन करके फिर बाहर निकलते थे। अच्छा, हाँ उनकी कुल देवी है ये। अच्छा, गंगा सिंह को किसी ने घेर लिया था, बाहर किसी ने घेर लिया था, हाँ, अंग्रेजों ने, हाँ, पिंजरे में डाल दिया था, आदमी की जगह शेर छोड़ दिया था। हाँ, तो गंगा सिंह ने उनकी माता को याद किया तो वहाँ चूड़ियों से भरा हुआ हाथ आई खाया उसकी। अच्छा, पाकिस्तान सन 71-72 में गई हुई थी, बम गिरी थी, एक भी फटा नहीं। अच्छा ये तो तन्नोट माता, तन्नोट माता में भी यही है वो ना, अच्छा करती है, देख लो वही माता तो वो तो रूप तो अलग एक ही है, एक ही रूप है भाई आप। ठीक है, ओके, थैंक यू अंकल। हाँ नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल। तो गाइस जैसा आपने देखा यहाँ की कहानी, अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। नया नया शादी भी होती है राजस्थान में, तो लोग आते हैं जैसा आप देख सकते हो, न्यूली मैरिड कपल्स आए हैं। तो देखो आओ फोटो गाइज, हमारी दर्शन हो चुकी है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमें पता है मतलब यहाँ तो ब्लैक चूहा आपने बहुत सारा देखा होगा पर वाइट चूहा का बहुत ही मन्नत है यहाँ का, तो हमने वाइट चूहा का भी दर्शन किया तो हम आपको भी दर्शन करवाएंगे। हमने वीडियो भी बनाया है तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि मैंने 65 साल की उम्र में आज तक मतलब बहुत सारे थे अंकल लोग, फ्रेंड हमें एक अंकल मिले कि वो बता रहे मेरे 65 साल में मैंने वाइट चूहा नहीं देखा, बट हमने देखा भी और वीडियो में बनाया, तो वीडियो के अंत तक देखें, वो वाइट चूहा हम आपको जरूर दर्शन कराएंगे। और बोलते हैं कि अगर वाइट चूहा दिख गया तो आपकी मन्नत पूरी होती है, देखते हैं हमारी मन्नत पूरी हो जाए और घर में बहुत अच्छा काम होता है। चलिए वहाँ तक, चलिए वहाँ तक बात करते थे, वहाँ तक चलिए तो चलिए दिखाते हैं। कितने सारे, पर इसको उड़ाने से डांटते हैं, नहीं उड़ाना है इसको, ये लक्ष्मी होती है ना, इनको उड़ाना नहीं। तो चलिए ब्लॉग हमारा यही समाप्त होगा और थोड़ा बाहर का शॉपिंग भी दिखाएंगे, अभी ब्लॉग समाप्त नहीं होता है कुछ, हम लोग पूजा पाठ का सामान लेंगे। तो चलिए बाहर मिलते हैं आपसे। तो आपको वाइट कलर क्या कैसा लग रहा है? फ्रेंड हमारा करनी माता मंदिर आना सफल हुआ और हमें वाइट चूहे के दर्शन हुए। काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हम 65 साल से यहाँ आ रहे हैं और हमें आज तक वाइट चूहा की दर्शन नहीं हुई। तो चलिए गाइस, तो करनी माता का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, तो जोर से बोलिए जय माँ करनी।